Neeru, listen na. So Neeru, what are you saying na? हाँ? We can watch it on a bigger screen sometime. हाँ तो जीजू को बोलो ना बेबी, वो ले आएंगे. Shh. क्या हुआ? मानसी? Parenti isn't the only venomous reptile in the Australian desert, and it certainly isn't the most dangerous. मानसी? What was that reaction at the door? What reaction? You acted like nothing happened. I was dead. Someone killed me, remember? It's at its most beautiful. Wait. Police kahan hai? Tumne police ko khabar nahi diya? Yahan sab kuch normal kyun hai? Jiju, are you drunk super super? Drunk? Do I look drunk? Yes, you do. Hey, you shut up. इसको क्यों बुलाया इधर? ये क्या कर रहा सुबह सुबह यहाँ पे? Was he here all night? Did you guys? He's my boyfriend. जब मर्जी बुलाऊंगी. आपको क्या? मानसी, मत बोलो. This is not your house. और तुम बात क्यों घुमा रही हो? तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? जीजू, please don't do this drama. Drama मतलब? I was dead. क्यों मरोगे आप? सही सलामत एक पीस में खड़े हो हमारे सामने. One piece? इन कपड़ों की हालत देखो, ये खून के छींटे देखो, और ये चोट देखो. Such a drama queen you are. You know, I have a same t-shirt. Mansi ne diya tha. On Valentine's Day. Right, baby? Yeah. Hello? Yes. Haan sir, main aapko phone hi karne wala tha. Jiju, kapde to sahi hai. Fashion sense thoda sa weird hai. Kaun sa chot ki baat kar rahe the? Kaun sa chot maane? Dard ho raha hai. मैं क्या करूं? गोटे का पेन खिलो. और वैसे आपके कपड़े बिल्कुल सही है, दाग वाग कुछ नहीं है. इट्स देयर मानसी, इट्स देयर. Mansi? Mansi?
Mansi, it's there. What? चोट मुझे प्लास्टिक बैग में डाल के नाले में फेंक दिया गया था एंड आई वॉज डेड. सो नाले में फेंकने के बाद यू डाइड और मरने के बाद नाले में फेंका गया था. जीजू, नेक्स्ट टाइम ना कुछ अच्छे स्क्रिप्ट के साथ आना. दिस वन इज रियली बैड. व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी? मैं खुद अपना डेथ क्यों फेक करूंगा मानसी? सीक अटेंशन. मैं तो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकती. ओ हेलो, तुम हो कौन जो तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए मैं झूठ बोलूंगा? हाउ वुड आई नो? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? लिसन, आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 120 करोड़. सी, अटेंशन सीकिंग. वैसे अब हाउ डिड यू डाई? I don't know, but I faintly remember I fell on the ground and someone came to check my breathing. और फिर बोला मर गया, बॉडी को पानी में फेंक दो. Really? कौन? शायद एक लड़का था. क्या? हिम? नीरज, योर बॉयफ्रेंड. अरे आई रिमेम्बर. पागल हो गया क्या? अरे नीरू, आपका खूनी. ओ जीजू, आई नो यू डोंट लाइक हिम. आई नो ही इज नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, बट दिस इज टू मच. कब से बोले ही जा रहा हूँ, सबसे पेट में दर्द हो रहा है. ओ मेरा बेबी छोटा. क्या बोल रहे हैं तुम्हारे जीजू? पागल हो गया. मैं मारूंगा क्या आपको? अब क्या देख रहे हो ऐसे? I was sitting right there and having vodka. मुझे चक्कर आ रहा था and you came to me and said tomorrow is the last day of submitting the form. कोई foreign university का form. मुझे चक्कर आ रहा था but you were going on and on saying deadline है, फलाना है, ढिमकाना है. Now I know. There wasn't any university form. तुमने मेरी ड्रिंक में जहर मिलाया था और मेरी पूरी प्रॉपर्टी लिखवा ली थी. Correct. ममता was also drinking with me. ममता? Where is ममता? Where is my wife? ममता? 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 Jiju, you are boring me now. ममता? 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 ममता, थैंक गॉड यू आर अलाइव. सुनो ना, मानसी ट्राइड टू किल बोथ ऑफ अस. कल रात में उसने जो ड्रिंक बनाई थी ना, आई रिमेम्बर शी मेड द ड्रिंक. उसने जरूर जहर मिलाया था उसमें. उफो, तुम नीरज को लेकर मानसी के साथ फिर से खिटपिट कर रहे हो. तुमने सुना? शी इज कम्प्लीटली इग्नोरिंग द फैक्ट. उसे मेरे सर पे चोट भी नजर नहीं आ रही है. ये देखो, तुम्हें दिख रहा है ना ममता? स्टॉप इट श्रीकांत. पता है ना तुमको, इस उम्र में प्यार मोहब्बत कितना दिन रहता है. दो दिन बाद अपने आप कट जाएगा, फिर करवा देना उसकी शादी किसी अमीर बिजनेस फैमिली में. हो गया. बट ममता, आई वॉज डेड. लुक एट मी. ये मेरे कपड़ों पे तुमको खून के धब्बे नजर नहीं आ रहे? नहीं बाबा, कुछ नजर नहीं आ रहा है. You're looking handsome as always. सुनो, ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया है, चुपचाप खा लेना. ये टेबल पे मुझे नौटंकी नहीं चाहिए. ओके, जाओ जाके बैठ जाओ. चलो बैठो, जाओ. कैसा बना है पोहा?
श्रीकांत एंड दिस इज हाउ यू किल समवन। तुम दोनों ठीक से एक ड्रिंक नहीं बना पाए और मुझे देखो कितना अच्छा पोहा बना लिया। मिर्ची, नमक और जहर स्वाद अनुसार। इसे प्रीति? नहीं नीरज, तुम किचन से एक बड़ा सा गार्बेज बैग लेके आओ। अभी डेलाइट है तो हम बॉडी रैप करके फ्रीजर में रख देंगे। रात को तुम दोनों जाके पानी में फेंक के आना और इस बार प्लीज पैर में एक बड़ा सा पत्थर बांध देना ताकि दोबारा वापस ना आ जाए। वो पत्थर वत्थर के लिए मैं गार्ड को बोल देती हूँ। हाँ, गो गो गो। दीदी, थैंक गॉड गार्ड भाई ने देख लिया था। या उनको निकलते हुए रिवर से और हम लोगों को खबर कर दिया था, नहीं तो हम लोग शॉक में आ जाते। ये वापस कैसे आ गया? ओके, मैं गार्ड भैया को बोल देती हूँ। बाय। गार्ड भैया जी जो बुला रहे हैं, ऊपर आओ जरा। पोहा अच्छा था। एंड दैट्स हाउ यू किल समवन। जहर ना सही वक्त पे सही जगह देना पड़ता है, स्वाद अनुसार। मानसी नीरज, तुमने कैसे? मुझे काफी टाइम से शक था इस बात का और मुझे ये भी पता था कि तुम जहर खरीदने के लिए किसको बोलोगी। He told me everything. मैंने तुम्हें दिए थे ना? हाँ। 25,000 रुपए दिए थे ना मैंने तुमको? मिला ना, लेकिन मैम साहब ने मुझे 50,000 रुपया दिया। और वो जो ड्रिंक में मिला था मानसी, वो तो सिर्फ पानी था। हाँ, और आज पॉपकॉर्न में जो मिला था हम, वो एकदम सही था। सबको मैंने ही नाले से निकाला साहब। उसका 25,000 रुपया एक्स्ट्रा आपने बोला था। मुझे क्यों छोड़ दिया? पुलिस में देने के लिए? नो, नॉट एट ऑल डार्लिंग। आई एम इन लव विद दिस गेम नाउ। आई नो तुम और एक बार ट्राई करोगी जरूर, और फिर मैं ट्राई करूंगा। लेट्स बिगिन देन।
दो कदम पकड़ के हाथ कंधे पे रख के सर पीपल के छांव में है वो फ्यूचर वाला घर दो कदम पकड़ के हाथ कंधे पे रख के सर पीपल के छांव में है वो फ्यूचर वाला घर नीली सी उसकी दीवारें चीली सी है ये ख्वाब है प्यार दिलों में इतना ना बच पाओगे जनाब ना बच पाओगे जनाब ना बच पाओगे जनाब